दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही आमने सामने आए अमेरिका और रूस के रिश्ते अब तक सुलझ नहीं पाए हैं। माना जा रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोस्ती की नई इबारत लिखने को तैयार हैं, लेकिन ताज़ा हालात तो मधुर रिश्तों की बजाय बढ़ती कड़वाहट की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके जरिए अमेरिका के 755 राजनयिकों को निकालने के बाद दोनों देशों में तकरार और बढ़ गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 755 अमेरिकी राजनयिकों को देश छोड़कर जाने का आदेश दिया है। पुतिन ने कहा कि रूस में 1000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे और अब भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 755 लोगों को अब रूस में अपनी गतिविधियों को रोकना होगा। रूस ने ये कदम अमेरिकी चुनाव में लगाए गए हस्तक्षेप के आरोप पर उठाया है। अमेरिका ने रूस पर दखल देने का आरोप लगाकर उस पर प्रतिबंध लगाया था। पुतिन ने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते सुधरने वाले नहीं हैं। हालांकि यह फैसला शुक्रवार को ले लिया गया था, लेकिन पुतिन ने इसकी संख्या की पुष्टि अब की है, जिन्हें 1 सितंबर तक रूस छोड़ने को कहा गया है। रूस ने इसके साथ ही अमेरिकी राजनयिकों के जरिए इस्तेमाल की जा रही हॉलीडे प्रॉपर्टी और गोदाम को भी वापस लेने की घोषणा की है। पुतिन ने कहा कि रूस आतंकवाद और साइबर अपराध समेत विभिन्न मुद्दों पर अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे सिर्फ यही आधारहीन आरोप सुनने को मिलते हैं कि उसने अमेरिकी घरेलू मामलों में हस्तक्षेप किया है। वहीं अमेरिका ने रूस के इस कदम को अफसोसजनक बताया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि हम इसके प्रभाव का आकलन कर रहे हैं और साथ ही कि कैसे इसका जवाब दिया जाए। आपको बता दें कि दिसंबर में ओबामा प्रशासन ने हिलेरी क्लिंटन के अभियान के कथित हैकिंग के जवाब में अमेरिका में 2 रूसी अहाते को अपने कब्जे में लेने के साथ ही 35 रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया था। व्हाइट हाउस की आपत्तियों के बावजूद रूस पर ताज़ा अमेरिकी प्रतिबंधों को कांग्रेस के दोनों सदनों ने अनुमोदित किया था। अमेरिकी खुफिया विभाग का मानना है कि रूस ने डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में चुनाव को घुमाने की कोशिश की और अब उसकी जाँच चल रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।